डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर इलेवन वर्क एंड एनर्जी एंड अंडर दिस वी हैव ऑलरेडी कम्पलीटेड वर्क वॉट डू अंडरस्टैंड बाई वर्क वर्क की डेफिनेशन वर्क का फॉर्मूला एंड द एस यूनिट रिलेटेड टू द वर्क एंड सिंपल न्यूमेरिकल्स एसोसिएटेड विद वर्क डन फिर हम लोगों ने नेक्स्ट आपका एनर्जी स्टार्ट किया था सो so, और डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वी हैव स्टडीड इन दिस अंडर विच द मैकेनिकल एनर्जी हैज़ टू बी स्टडीड इन दिस चैप्टर और हमने काइनेटिक एनर्जी का एक ओवरव्यू लिया था सो काइनेटिक एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की होती थी इट वॉज द एनर्जी प्रजेस्ड बाई दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन ठीक है इसी का ही हम लोगों को अब आज थोड़ा सा फॉर्मूला देखना है सो काइनेटिक एनर्जी प्रजेस्ट बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास एम है और उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर इट विल भी हाफ एम बी स्क्वार अगर हम इसको एक फॉर न्यूमेरिकल uh, की हेल्प से uh, देखना चाहें समझना चाहें दैट हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स लेट अस सी दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास फिफ्टीन के जी तो मास गिवन है हमको फिफ्टीन के जी इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी गिविन है वी गिविन है और सिम्पल पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी निकालिए सिम्पल यू हैव टू राइट द फॉर्मूला चीज़ें लिखेंगे फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन वी विल प्लेस द वैल्यूज़ और आपका आंसर आ जाएगा जो एनर्जी है आपकी जूल्स में आएगी आपको हंड्रेड परसेंट आपको यूनिट लिखनी ही लिखनी है ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट आ जाता है काइंड ऑफ एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत एक आपका काइनेटिक एनर्जी था अनदर वॉज द पोटेंशियल एनर्जी तो आप पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी पर्जिस्ट बाय इट ड्यू टू इट्स पोजिशन और शेप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन और शेप की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर प्रेजेंट रहती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं आप जैसे सपोज़ देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने एक रबर बैंड लिया है उसको स्ट्रेच किया और फिर उसको हमने रिलीज़ किया जब आप रबर बैंड को रिलीज़ करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाता है ये काम हम लोग बहुत करते हैं घर में तो वैन द रबर बैंड इज स्ट्रेच, जब वो रबर बैंड स्ट्रेच किया जाता है उस टाइम पे उसमें कुछ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और उसको हम जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उसको हम स्टोर करते हैं एज पोटेंशियल एनर्जी ठीक है एक तो ये एग्ज़ाम्पल आपका है दूसरा एग्जाम्पल है आप लोगों के घर में जो है छोटी छोटी टॉय कार्ड्स होंगी आप उनमें चाबी लगाते हैं उसकी की को वाइंड करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जब आप उसको ग्राउंड पर छोड़ते हैं देन, दैट पर्टिकुलर टॉय कार स्टार्ट्स मूविंग है ना तो क्या होता है जब हम वाइंडिंग कर रहे हैं कार की की को वाइंड कर रहे हैं चाबी उसमें दे रहे हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है वो स्प्रिंग के अंदर चाबी के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है वो स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ठीक अगेन एक और एग्जाम्पल इफ यू लिफ्ट एंड ऑब्जेक्ट टू ए हाइट एंड रिलीज इट इट फॉल्स डाउन कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर उठाएंगे और उसको छोड़ेंगे ऊपर से तो वो नीचे गिरेगा जब हम ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं उस टाइम पे उसके अंदर एक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है क्योंकि मैं वर्क डन कर रही हूँ मैंने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया है जब मैं वर्क डन कर रही हूँ तो वर्क डन में एनर्जी के ही जब मेरे पास एनर्जी है देन ओनली आई एम एबल टू डू दैट वर्क तो जब मैं ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रही हूँ उसके अंदर एक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है मेरी मस्कुलर एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो रही है तो वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है उसको हम स्टोर कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सो दीज आर सर्टन एग्जाम्पल्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट स्टार्ट करेंगे सो आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हेयर राइट नाउ थैंक यू वेरी मच